हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं संतोष कुमार, स्मार्ट सॉल्यूशन पटना से। तो चलिए, नेक्स्ट आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर, जो कि कॉलिंग के दरमियान में आपकी लाइट को कंट्रोल करता है, इसको किस तरह से रिप्लेस करते हैं बिना नुकसान किए नेक्स्ट लेवल पे, जिसमें कि हम देखेंगे कि ये जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है ये अभी खराब होता है और इस प्रॉक्सिमिटी सेंसर को किस तरह से रिप्लेस करते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं इसका भी खराबी आता है आपके फ़ोन में। जब आपके फ़ोन एक्सीडेंट होते हैं, डिस्प्ले टूटता है, तो डिस्प्ले टूटने के बाद ये काम करने बंद कर देते हैं, क्योंकि ये फ्रंट में होता है और फ़ोन गिरने की वजह से इसके आई जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं, समझ रहे हैं? तो इस वजह से हमें इसे रिप्लेस करना पड़ता है। तो चलिए हम करके दिखाते हैं। सबसे पहला चीज़ कि हम इस पर हल्का सा फ्लक्स डालेंगे, और फ्लक्स जो भी आप इस्तेमाल करते हैं ना, अच्छी क्वालिटी का फ्लक्स इस्तेमाल कीजिए। नॉर्मल क्वालिटी का फ्लक्स आपके बोर्ड को काला कर देता है, डैमेज करता है, इसलिए अच्छी क्वालिटी का फ्लक्स आप इस्तेमाल करें। इसको निकालने के लिए जो हमारा टेम्परेचर है 290 से 300 के बीच में रहेगा। अगर आप SMD 2008 इस्तेमाल कर रहे हैं तो 310-315 दें, और अगर आप 857DW रखे हुए हैं तो 300 में भी आपका निकल जाएगा। पहले मदरबोर्ड को प्रीहीट करनी होगी, और 861 डिजिटल वाली है तो आप 330-320 भी दे सकते हैं। एयर हमारा 3 रहेगा इसमें। सबसे पहले हम इसको 1 इंच की डिस्टेंस पे थोड़ा सा प्री हीट करेंगे, ठीक है? और प्री हीट होने के बाद हम इसको टेम्परेचर अभी जो है हमारा 290 है। फ्लक्स बहुत ही नीड है, अगर आप फ्लक्स नहीं डालेंगे तो आपका जो है ये सेंसर पिघल के खराब हो जाएगा। ओके, ठीक है, देख सकते हैं कि बिना कोई नुकसान का हमारा जो सेंसर है वो बाहर आ गया, एकदम आसानी से बाहर आ गया। रिप्लेस कर सकते हैं आप इसे, ये नया मार्केट में आपको नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं आप किसी एक या दूसरे बोर्ड से आप इसे शिफ्ट कर सकते हैं। इसीलिए मार्केट में अभी जो है स्क्रैप बोर्ड की जो यूज़ हैं वो बढ़ गए हैं। इसलिए बढ़े हैं क्योंकि अब हम लोग क्या करते हैं ना कि स्क्रैप बोर्ड से भी कंपोनेंट्स को निकाल करके इस्तेमाल कर लेते हैं, और न्यू तो मार्केट में मिलेगा नहीं, हमें तो सोल्यूशन चाहिए, ठीक है? अब ये निकलने के बाद अगर चाहते हैं टेम्परेचर लो करना तो आप इसे कर सकते हैं। हाँ, ध्यान रहे, मैं हर बार कहता हूँ कि आप टेम्परेचर लो करने के लिए 183 का इस्तेमाल करें, क्योंकि कहीं ना कहीं 183 आपके फ़ोन के लिए बेटर होता है। अगर 138 भी आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका सेंसर काम करेगा, लेकिन ना मजबूती में फ़र्क आ जाएंगे, जिस वजह से क्या है ना कि हो सकता है कि हल्की फुल्की गिरने से वो डिवाइस छोड़ दे। तो जब हम इतनी मेहनत कर ही रहे हैं तो 183 का ही इस्तेमाल करेंगे। 183 का जो क्वांटिटी है हल्का सा आप इसमें ऐड कर सकते हैं। देखिए, थोड़ा सा हमने इसमें ऐड कर दिया, और इसको हम क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे, ठीक है? मिक्स करने के बाद आप इसे प्रीहीट कर ले पहले 280 की टेम्परेचर में। ये देखिए प्रीहीट हो चुका है, अब हम इसमें सेंसर फिक्स करेंगे, ठीक है? ये जब लग जाएगा ऑटोमेटिक, हम इसे हिलाएंगे तो अपने स्थान पे ये आएगा, ठीक है? अगर ये लग जाएगा तो जब आप इसे हीट मार के हल्की सी मूव भी करवाएंगे तो ये घूम करके अपने स्थान पे ही रहेगा, इधर उधर ये दाएं बाएं नहीं जाएगा। और अगर ये नीचे से नहीं जुड़ेगा, आप इसको हल्की सी भी मूव करेंगे तो ये दाएं बाएं हो जाएगा, जिस वजह से ये हमारा संकेत हो जाता है, ये हमें एक सूचना दे देता है कि भाई ये लग चुका है, इसकी कनेक्टिविटी बन चुके हैं, ठीक है? रही बात, तो जब भी आप इसको क्लीन करेंगे तो कॉटन से साफ़ करेंगे, डायरेक्ट आप इस पर कोई भी हार्ड IP नहीं गिराएंगे, जो क्लीनर होता है जो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, ठीक है, वो सब क्लीनर आप इसमें नहीं डालेंगे, क्योंकि इसकी जो आइज है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। क्लीनिंग जितना बेटर आप हो सके कीजिए, क्योंकि देखिए क्लीनिंग से क्या होता है ना कि आपके काम करने की पहचान होती है कि आप कितना बेहतर काम करते हैं। अगर क्लीनिंग आप अच्छे ढंग से नहीं करेंगे, काम तो आपका हो जाएगा, लेकिन अगला टेक्नीशियन अगर उस फ़ोन को खोलेगा तो वो बोलेगा कि भाई कहाँ फ़ोन आपने रिपेयर करवाया। तो इसीलिए हम इसे क्लीनिंग हम अच्छी देंगे। और ये देखिए, अब ये जो हमारा सेंसर है वो बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरा दिखाई दे रहा है, लग रहा है कि इस पर काम नहीं हुआ, ठीक है? तो ये फिनिशिंग आपको देनी है। तो ओके एवरीवन, थैंक यू। फिर हम एक नई वीडियो आपके लिए लेकर के आते हैं। हर एक वीडियो के बाद हमारी दूसरी वीडियो आपको मिलेगी देखने के लिए।
तो चैनल को बहुत ही ध्यान से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जो कि हमारी वीडियो आपको आपके रिपेयरिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। ओके, थैंक यू।